हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोन चैनल डेली कॉमेडी। सो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले नेचुरल गैस की ऑगस्ट फ्यूचर्स ने इस वीक में किस तरह का परफॉर्मेंस किया है और आपको नेक्स्ट वीक में कौन कौन से प्राइस लेवल के बैंड के अंदर यहाँ पर आपको ट्रेंड होते हुए देखने को मिल सकता है, तो वो सब डिस्कस करने वाले हम इसी वीडियो में। सो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उसके साथ साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल डेली कॉमेडी को अपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो लेवल्स है उसके लिए हम यहाँ पर लॉन्गर टाइम फ्रेम यूज़ करने वाले, तो उसके लिए हम यहाँ पर पाइवेट को हम अभी के लिए फॉर अ टाइम बिंग हम यहाँ पर हटा देते हैं, एज वेल एज हम यहाँ पर 1 आवर की टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं ताकि हम जो पूरा वीक है उसको एक अच्छी तरीके से अच्छे वे में हम यहाँ पर एनालाइज कर सके। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा से यहाँ पर वॉलेटाइल स्टेट जो है वो आपको यहाँ पर क्रिएट होते हुए जरूर देखने को मिल रहा है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि एक अच्छा सा वॉलेटाइल स्टेट डेट इज आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छी खासी यहाँ पर आपको डाउनवर्ड मूवमेंट एज वेल एज जो अपवर्ड जो ट्रेंड्स जो थे वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी आने के बाद एक अच्छा सा सेलिंग प्रेशर भी आपको देखने को मिला है, एज वेल एज एक अच्छा सा लोअर डेट इज प्रीवियस हाई उसने ब्रेक करके बहुत ही अच्छा सा पॉजिटिव मोमेंटम इस अपसाइड डायरेक्शन ने यहाँ पर दिया है। बट फिर भी आप देख सकते हो एट द एंड यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर आपको बनते हुए देखने को मिला है। सो ये जो सिचुएशन है उसके अंदर आपको ये सीखने को मिला डेट इज ये एक अच्छा सा प्राइस लेवल जो है वो आपको ऑगस्ट के जो फ्यूचर्स के अंदर आप ट्रेड करते हो तो काफी इंपॉर्टेंट आपको ये साबित होते हुए देखने को मिल सकते हैं। डेट इज एट द प्राइस ऑफ अराउंड 287 का आप यहाँ पर मार्क कर सकते हो अपने ट्रेडिंग पैनल के अंदर। डेट इज आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक अच्छा सा सेलिंग प्रेशर आने के बाद भी यहाँ से एक अच्छा सा सपोर्ट अपसाइड डायरेक्शन में यहाँ पर एक पॉजिटिव मोमेंटम पॉजिटिव वॉल्यूम जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिली है। ऐसे में सेकेंड टाइम भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर फॉल आपको जरूर देखने को मिला बट यहाँ से फिर से एक अच्छा यहाँ पर नियरली इसने लो भी बनाया है 287.5 या 6 का नियरली, और उसके बाद आप देख सकते हो फिर से एक अच्छा सा यहाँ पर वॉलेटाइल अपसाइड डायरेक्शन में यहाँ पर आपको कैंडल्स जो है वो जानी स्टार्ट हो गई है। सो हम मंडे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अच्छा सा यहाँ पर अप ट्रेंड आपको प्राइस के यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, और यहाँ पर अपसाइड डायरेक्शन में जो हमें यहाँ पर सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है करंटली एज ऑन द फैक्ट तो वो होगा नियरली ये प्राइस लेवल डेट इज 295.39 या फिर 296 का भी आप लेवल समझ सकते हो। और एक अच्छा सा यहाँ पर बुलिश ट्रैप अगर आपको समझना हो तो बुलिश ट्रैप जस्ट बिकॉज एज ऑफ द फैक्ट ये लेवल भी काफी इंपॉर्टेंट डेट इज 298.53 या फिर 298.7 का जो अपसाइड का जो टारगेट है वो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा अगर आप ट्रेड करते हो। और जो जो थर्ड अपसाइड का जो टारगेट होगा नियरली आप बना सकते हो 304 पॉइंट डेट इज टू बी प्रिसाइज 305 का भी आप लेवल जो है अपसाइड डायरेक्शन यहाँ पर बना सकते हो। और लास्ट टारगेट हमारा होगा अपसाइड डायरेक्शन में नियरली 310 के आसपास। सो अब अगर आप नेचुरल गैस के अंदर आप ट्रेड करते हो तो आपको ये जो प्राइस लेवल्स जो है वो आपको पता होना चाहिए। अगर आप कोई भी ट्रेड के अंदर एंट्री लेते हो विदाउट एनी लेवल, अगर समझ लो एकदम आपको सेफ ट्रेड करना है, तो मेरे हिसाब से आप देख सकते हो कि जैसे ही इसने यहाँ का सपोर्ट नहीं बनाया, ऑल्दो ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, बट यहाँ पर आप जैसे ही फॉल आपको देखने को मिला सो आपको नियरली 298 से लेके आपको 295 डेट इज 3 पॉइंट का जो बेनिफिट है वो आपको विद इन बहुत ही कम टाइम में आपको यहाँ पर आपको देखने को मिला है। तो इस तरह की जो वॉलेटाइल स्टेट को है उसको अगर आपको ग्रैब करना है तो आपको ये जो जो चैनल पैटर्न हमने यहाँ पर बनाया है डेट इज जो भी हमने लेवल यहाँ पर मार्क किया है वो आप अपने भी ट्रेडिंग पैनल के अंदर मार्क कर सकते हो। करंटली अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो RSI के अंदर भी ज़्यादा वॉलेटाइल स्टेट यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिला, एज वेल एज MACD ने भी काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है। और सबसे बेहतरीन बात क्या, वॉलेटाइल होने के कारण जो इंट्राडे ट्रेड्स होते हैं उसको बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिला डेट शॉर्ट के अंदर भी लॉन्ग पोजीशन के अंदर भी एक अच्छा सा कंसोलिडेशन भी आपको यहाँ पर जरूर देखने को मिला। बट जैसे ही इसने अपना जो प्रीवियस हाई था उसको ब्रेक किया और आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा सा अपसाइड डायरेक्शन के अंदर भी आपको बहुत ही पॉजिटिव सेंटीमेंट आपको देखने को मिला है। सो हम ये वीक में एक्सपेक्ट करते हैं कि नियरली 298 या फिर 300 से लेके नियरली 286 के जो लेवल्स है उसके अंदर आपको नेचुरल गैस के जो फ्यूचर्स है वो आपको ट्रेड होते हुए देखने को मिल सकते हैं। ऑल्दो अगर ये लेवल्स को भी ब्रेक करता है तो आपको बहुत ही अच्छे से डेट इज 5.8 पॉइंट तक के टारगेट्स आपको अपसाइड एज वेल एज डाउन साइड के लेवल के अंदर यहाँ पर आपको बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। सो होप करता हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी एज वेल एज ट्रेडिंग करने के लिए फॉर नेक्स्ट वीक आपके लिए ज़्यादा मददगार रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और माई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।